जिसको बुलाया गया वही अर्श बरी है, आपके सिवा ऐसा कोई नहीं है। मौलाना महमूद मदनी जी, वेल माई स्टूडेंट फ्रेंड्स, वी आर अ स्टूडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी एंड आई अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट योर फीलिंग्स, बट विसलिंग इज नॉट अ डेमोक्रेटिक वे। प्लीज अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स बट नो विसलिंग प्लीज, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं राहुल साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि ये मुझे बार बार बुलाकर आप लोगों के बीच में लाकर वो सौभाग्य प्राप्त करने का मौका देते हैं कि मैं उस धरती पे आता हूँ, उस पावन धरती पर जो छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है। जब हम उनका नाम लेते हैं तो वो प्रतीक है बहादुरी का, आजादी का, कुछ कर गुजरने के लिए और जान जाए तो जाए। यह सर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। मैं बात शुरू करूंगा क्योंकि सब्जेक्ट यह है कि धर्मों के बीच में डिफरेंसेस, स्पिरिचुअलिटी। अभी आज की जो हालत है तो सबसे बड़ा क्राइसिस मेरे ख्याल में, दुनिया का जो सबसे बड़ा क्राइसिस है वो धर्मों के बीच में है, खुद धर्म वालों के बीच में, मजहबों के बीच में, रिलीजन के बीच में। अब से 3 साल पहले कानपुर में था और ऐसे ही इंटरफेथ इंटर रिलीजियस प्रोग्राम हो रहा था। स्वामी जी कहने लगे कि आज के जमाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम धर्म रिलीजन बन गया है, इसी के कारण फसाद हो रहे हैं। उन्होंने उसके उदाहरण के तौर पर बहुत सारे वाकयात सुनाए। बात खत्म हो गई, मेरा नंबर आया तो मैंने अर्ज किया कि मैं माफी चाहता हूं, बड़े आदमी हैं, डिसएग्री नहीं करना चाहता लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हंगामा, फसाद, बुराई धर्मों की वजह से नहीं है बल्कि धर्मों के नाम पर पॉलिटिक्स करने की वजह से है। जो राजनीति होगी अगर धर्म के नाम पर, उससे बर्बादी होगी। जिहाद की बात है क्योंकि टेररिज्म करने वाले लोग अगर इस्लाम के दिखने में इस्लाम के फॉलोअर हैं तो वो जिहाद को यूज करते हैं। मैंने हमेशा एक बात कही है कि इन लोगों को जिहादी नहीं कहना चाहिए, उनको लेजिटिमेसी मिलती है जिहादी कहने से, ये तो फसादी हैं, कभी जिहादी हो नहीं सकते। ये जिहादी अगर कोई हो सकता है तो वो हो सकता है जो पीस लाने की कोशिश करे, जो न्याय लाने की कोशिश करे। जो अन्याय करेगा, अत्याचार करेगा, चाहे किसी के नाम पर करे,
ईश्वर के नाम पे करे, भगवान के नाम पे करे, गॉड के नाम पे करे, खुदा और अल्लाह के नाम पे करे, वो जिहादी हो नहीं सकता। हमारे मुझे हम उर्दू वाले लोग हैं और उर्दू के कुछ शेर सुनाना चाहता हूँ, हो सकता है समझ में आए, हो सकता है ना भी आए, मैं समझाने की भी कोशिश करूँगा। कहा लबरेज है शराबे हकीकत से जाम हिंद, सब फलसफी हैं खित्ते मगरिब के राम हिंद। श्री रामचंद्र जी के बारे में कह रहे हैं, अब गौर कीजिएगा, वो कह रहे हैं सब फलसफी हैं खित्ते मगरिब के राम हिंद, ये हिंदियों के फिक्र रस का है असर, रफअत में आसमां से भी ऊंचा है बाम हिंद। रफअत कहते हैं बुलंदियों को, ऊंचाइयों को। तो भारत का दरवाजा हिंद, भारत, भारत का दरवाजा आसमान से भी ऊंचा है। किस वजह से? इसी देश में हुए हजारों मलक सर सरिश्त, मशहूर जिनके दम से है दुनिया में नाम हिंद, है राम के वजूद पर, ये आखिरी शेर है, राम के वजूद पर हिंदोस्तां को नास, अहले नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद। मैं मुसलमान हूं और कट्टर मुसलमान। कट्टर का मतलब क्या होता है? कट्टर का मतलब यह होता है कि जो मुसलमान नहीं हो उसके साथ लड़ाई लाजिम, यही मतलब होता है। जी नहीं, कट्टर का मतलब यह होता है कि सारे इंसानों को बराबर समझने वाला मुसलमान, सबका आदर और सम्मान करने वाला मुसलमान, जितने बड़े हैं, चाहे श्री कृष्ण जी हों, चाहे श्री रामचंद्र जी हों, अगर कोई मुसलमान इनका अनादर करे या इनका सम्मान नहीं करे तो वो पापी है, महापापी है। मुसलमान के कर्तव्य में कंपलसरी है, मुसलमान के लिए लाजिम है, मुसलमान के लिए कि वो इनकी इज्जत करे, इनका सम्मान करे, इनसे मोहब्बत करे। टीचिंग्स को देख लीजिए, तालीमात हम लोग उर्दू में बोलते हैं, उनकी टीचिंग्स को देख लीजिए। अगर श्री रामचंद्र जी की टीचिंग्स को आप उठा करके देख ले और हजरत मोहम्मद साहब की टीचिंग्स को उठा के देख लीजिए, अगर आपको डिफरेंस मिल जाए, नहीं मिलेगा, ढूंढते रहिएगा, नहीं मिलेगा। हाँ, हम नाम लेने वाले लोगों ने, चाहे इनका नाम लेते हो चाहे उनका नाम लेते हो, अपने मतलब के लिए, क्यों मजहब को, धर्म को, रिलीजन को रिचुअल्स में बंद कर दिया, स्पिरिचुअलिटी छूट गई हमारी, भूल गए स्पिरिचुअल, बाहर को दिखावे में हर चीज आ गई, अंदर खाली हो गए। जब तक हम अंदर से, जो डॉक्टर इस पिछले सेशन में डॉक्टर पाटकर साहब, नहीं सॉरी डॉक्टर राजीव, डॉक्टर भट्ट बात कर रहे थे, इनर बिल्डिंग की बात कर रहे थे, इनर बिल्डिंग नहीं होगी तो फिर श्री रामचंद्र जी के भक्त कैसे बन सकेंगे, या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर कैसे हो सकेंगे, अगर हमारी इनर बिल्डिंग नहीं हुई, जो सबसे बुनियादी चीज है रिलीजन की, उसको छोड़ दिया, टाइम नहीं है। परसेप्शन और रियलिटी बिल्कुल अलग अलग चीज। आज की तारीख में इस्लाम का परसेप्शन, क्यों, इस्लाम को डोमिनेट कौन कर रहा है, किसकी बात मीडिया पर दिखाई जा रही है, कौन टेलीविजन चैनलों पर आ रहा है, क्यों, कौन आ रहा है, वो नहीं आ रहा है जो इस्लाम के रियल मैसेज को देने वाला है। इवन
सारे रिलीजन के बारे में यही है, जहां कमी मिलती है उसको उजागर कर दिया जाता है, बकवास करने वाला आदमी है उसको प्रोमिनेंस मिल जाती है, क्योंकि टीआरपी का चक्कर है, परसेप्शन बन गया है, रियलिटी को लोगों ने भुला दिया। क्या हो गई, कहां पहुंच गए हम? हुआ ऐसा है कि मैंने कहा मेरी ले से ले वो मिलाएंगे क्या, जो रोए नहीं हैं वो गाएंगे क्या, खजा में तड़पना ना आया जिन्हें बहारों में वो मुस्कुराएंगे क्या, जिन्हें चोट दिल पर लगी ही नहीं मेरा दर्द दिल आजमाएंगे कि क्या, जिन्होंने उजाड़ा नहीं अपना घर, जिन्होंने उजाड़ा नहीं अपना घर वो औरों की बस्ती बसाएंगे क्या, वो अहले हम अहले वफा हैं वो अहले सितम, वो हमसे निगाहें मिलाएंगे क्या, मोहब्बत ही जब दरमियां में नहीं वो आएंगे क्या, हम बुलाएंगे क्या। आना जाना छूट गया, उठना बैठना बंद हो गया, सुनना सुनाना बंद हो गया। एक आखिरी बात, अगर हम न दें अपना खूने जिगर, अगर हम न दें अपना खूने जिगर वो हाथों में मेहंदी लगाएंगे क्या, हमारे बगैर आपका काम, आपके बगैर मेरा काम चलने वाला नहीं। एक आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैं फ्लाइट में था, छोटा सा किस्सा सुना देता हूँ, राहुल जी इजाजत है ना, बस एक आखिरी, मैं जानता हूँ कि टाइम की शॉर्टेज है। फ्लाइट में था मेरे बराबर में, ये भी कुछ एक साल पुरानी बात है, तो एक पॉलिटिकल पार्टी के सेक्रेटरी साहब बराबर में बैठे थे, कहने लगे, देखिए बहुत बारीक सी बात है, बहुत फाइन लाइन है, तो आप लोगों की तवज्जो चाहूंगा। कहने लगे, मदनी साहब ये जो मुल्क का माहौल बन रहा है इसको ठीक करने की जरूरत है। हाँ जी बिल्कुल ठीक करने की जरूरत है, ठीक रखने की जरूरत है। कहने लगे, देखो देश अभी खराब हाल में घिरा हुआ है, बाहर से दुश्मन ताक लगाए बैठा है, अगर अंदर लोग लड़ेंगे तो बाहर के दुश्मन को मौका मिल जाएगा, और हमारी तो ये पॉलिसी है कि मुसलमान के साथ ठीक ठीक रिलेशनशिप बना के रखनी है, वरना अंदर से मुसलमान गड़बड़ करेगा और बाहर से कोई और हमला करेगा तो मुल्क का नुकसान होगा। वो मुझे सुना रहे थे, तो मैंने उनसे कहा, वो आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आज सरहदों पर हमारी फौज खड़ी है और चाइना कह रहा है कि हम 1962 वाली गलती ना दोहराएं, लेकिन चाइना को ये नहीं मालूम कि हम वो हैं जिन्होंने सर कटाना सीखा है, सर झुकाना नहीं सीखा है। हम जंग के हक में नहीं हैं, देश के लोगों से, देश के जिम्मेदारों से ये कहना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि किसी कीमत पर जंग नहीं होनी चाहिए, किसी पड़ोसी से नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बात याद रहे, अगर जंग मुसल्लत की जाएगी, अगर जंग हम पर थोपी जाएगी, तो फिर चाइना हो या कोई और मुल्क हो, याद रखें, भारत अपने सम्मान की रक्षा करना, और भारत के सब नागरिक, मैं मुसलमानों की तरफ से कहना चाहता हूं, अगर कोई हालात ऐसे आएंगे जहां देश को राष्ट्र को डिफेंड करने की जरूरत पड़ेगी, तो भारत का मुसलमान एक नंबर पर आगे आगे होगा।
यह हमारा धार्मिक कर्तव्य होगा, रिलीजियस ड्यूटी होगी कि हम अपने राष्ट्र का के सम्मान की, अपने राष्ट्र के सरहदों की, अपने देश की इज्जत की रक्षा करें। जान देना पड़े तो सौभाग्य होगा। आजादी, जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, आंदोलन चल रहे थे, तो बिस्मिल ने कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। मैंने इसमें थोड़ी चेंज कर लिया, सरफरोशी की तमन्ना फिर हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, रह रवे राहे मोहब्बत रुक न जाना राह में, लज्जते सहरा नवर्दी दूरिये मंजिल में है, आज मक्तल में ये कातिल कह रहा है बार बार, क्या सर कटाने की तमन्ना फिर किसी के दिल में है, ऐ शहीदे मुल्क व मिल्लत तेरी जुर्अत पर निसार, अब तेरी जुर्अत का चर्चा गैर की महफिल में है। A big round of applause and definitely a standing ovation for Maulana Mahmood Madni ji. A big round of applause. Thank you very much for your those motivating thoughts.